नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। और मॉनसून का सीजन खत्म हो चुका है, विंटर फ्लडिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसकी कि मैं एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूं और आपने पहले सीरीज को देख लिया है। क्रैसेंथेमम जो गुलदाउदी है उसके फ्लावरिंग प्लांट की कैसे हमें रिवाइव करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, उसकी पूरी केयर यानी कि गुलदाउदी की पूरी सीरीज मैं लेकर के आई हूँ, जिसका कि ये पार्ट 2 है। और आज के डेट में मैं तैयार करूँगी सॉइल, जो एक ऐसे पावरफुल सॉइल तैयार करने वाली हूँ जिसमें आपकी गुलदाउदी बिल्कुल इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग करेगी जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके विंटर फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सॉइल आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। देखिए, ये हमारी पुरानी सॉइल है, हमारे गार्डन की सॉइल है। अक्सर हमारे जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हम लगाते हैं तो जो समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि हमने गमले खाली किए और ये सारे रूट्स इसमें से निकाल लिए हैं, जो भी पुराने रूट्स होते हैं उन सबको अच्छे से बस हाथों से ही मैं निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसे हल्की सी मोटी वाली चलनी से चाल भी सकते हैं। देखिए, इन सब तरह की जो पुराने हमारे पास जो मिट्टी है उसे मैं रिवाइव कर रही हूँ। तो पुरानी मिट्टी को आप किस तरह से अच्छा नया बिल्कुल हेल्दी सॉइल तैयार कर सकते हैं, पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आज इस सेकंड सीरीज में दूंगी। पहली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रही हूँ, ज़रूर जा करके चेक कीजिए कि अगर आपके पास पुरानी क्रैसेंथेमम गुलदाउदी के प्लांट हैं तो उसे कैसे केयर कर सकते हैं। ये हमारे पिछले साल की सारी ब्लूमिंग है। अगर आपने इस तरह की सॉइल तैयार की तो आपके गार्डन में भी इसी तरह से फूल खिलेंगे, इससे कहीं ज़्यादा खिलने वाले हैं, कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से शायद आपके गार्डन में इतनी अच्छी फ्लावरिंग ना हो। थोड़ी सी क्रैसेंथेमम के बारे में बात कर लेती हूँ। क्रैसेंथेमम हमारा पेरिनल प्लांट है, इसे आप हर साल सेव करके रख सकते हैं और इसे फिर से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसके रूट्स से नए नए प्लांट निकलते हैं तो उसे भी डिवाइड करके हम नया प्लांट बना सकते हैं, यानी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। इसकी कटिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर में बहुत ही आसानी से लग जाती है। अभी ये जो सेप्टेम्बर का महीना चल रहा है तो इसमें आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। हमारे पास ढेर सारे पुराने प्लांट हैं तो उन्हें सिर्फ हम उसे अच्छे से इंसेक्टिसाइड से साफ करेंगे, उसे देखेंगे किस प्लांट की कटिंग लगानी है और किसे यूं ही रिपोर्ट करना है, तो फिर इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी काफ़ी जल्दी। चलिए सॉइल दिखाती हूँ। ये हमारी पुरानी सॉइल है, इसमें कोकोपीट और सैंड मिक्स है। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश गार्डन सॉइल ले रहे हैं, तीनों चीज़ों को इक्वल पार्ट में आप मिला लेंगे, गार्डन सॉइल, सैंड और कोकोपीट, उसके बाद इस सॉइल को तैयार करेंगे। इसके बाद इसमें क्या क्या बूस्टर्स मिला रही हूँ वो ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारी मिट्टी यहाँ पर रखी हुई है वो 4 गमलों के लिए पर्याप्त है, यानी कि 8 से 10 इंच के गमले के लिए 4 गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें लाल पोटास। ये रेड पोटास आपके फ्लावरिंग को बहुत बूस्ट करती है। जैसा कि आप सारे गार्डनर लोग जानते होंगे, पोटास हमारे फ्लावरिंग को बढ़ाती है। तो सबसे पहले हमने एक मुट्ठी भर के पोटास मिला दिया है। और गार्डनिंग को कोई ज़्यादा हार्ड एंड टफ ना करे, बिल्कुल ईजी वे में सॉइल बनाए। उसके बाद हम इसमें मिला रहे हैं इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपके प्लांट्स को ग्रीनरी देगा और प्रकाश संश्लेषण में इसकी बढ़ोतरी करेगा, पत्तियां अच्छे से भोजन बनाएंगी। ये रहा डीएपी। डीएपी आपके रूट्स पे वर्क करता है, तो जितने सारे हम नए प्लांट्स लगाएंगे या रिपोर्टिंग करेंगे तो उसके रूट्स बिल्कुल अच्छे से डेवलप होने चाहिए। उसके लिए डीएपी डाई अमोनिया फॉस्फेट हमने यूज किया है। और ये सीवीड ग्रैनुअल्स, सीविड दो तरह के आते हैं, सीविड ग्रैनुअल्स और लिक्विड। हम यहाँ पे ग्रैनुअल्स यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने सॉइल तैयार करनी है। एक एक मुट्ठी आप जैसा देख रहे हैं, रेशियो आपको दिखता जा रहा है, 4 गमलों के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं सॉइल। और अब आई नीम खली की बारी, जो कि आपके फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। न्यूट्रिशंस के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम यहाँ 4 गमलों के लिए भर के 4 मुट्ठी नीम खली डाल रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट हमारा जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें कभी कभी पानी ओवरडोज हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है। इसके लिए हम पहले से प्रोटेक्शन डाल रहे हैं, ये है नीम खली। तो नीम खली हमें 4 मुट्ठी मिलानी है।
अगर आप चाहें तो इस नीम खली को घर में भी तैयार कर सकते हैं। कैसे करना है अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उस विषय पे भी वीडियो बना के आपको दूंगी। हमने नीम खली मिला लिया, अब ये आता है नाइट्रोजन से भरा हुआ वर्मी कंपोस्ट। चार गमलों के लिए हम इसमें पूरा का पूरा 1 किलो का पैकेट फाड़ रहे हैं और पूरा 1 किलो वर्मी कंपोस्ट हम इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए कितनी अच्छी वर्मी कंपोस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो वो आपके फ्लावरिंग में काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद करेगी। और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, ये ओवरऑल प्लांट के लिए इकलौता अकेले ही काफ़ी है, लेकिन सब कुछ मिलाना होता है ताकि हमें खूब ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए। तो 1 किलो वर्मी कंपोस्ट हम 4 गमलों के लिए मिला रहे हैं, जो कि गमला हमारा 6 से 8 इंच 10 इंच के बराबर हो भर जाएंगे पूरे गमले इतने सॉइल में। अब इतनी सारी वर्मी कंपोस्ट जब हमने मिला दी है, आप सोच सकते हैं हमारी सॉइल कितनी पावरफुल तैयार हो रही है। अब इसके बाद इसमें अभी और भी बहुत कुछ ऐड करना है। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उन्हें अच्छे से ढेर सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है ताकि वो आपको ढेर सारा फ्लावर बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर सके और वो काफ़ी दिनों तक स्टे कर सके आपके गार्डन में। ये पत्तियों का खाद है जो हमारे गार्डन से जितने सारे किचन वेस्ट और जितने सारे पत्तियां निकलती है लीफ मोड सबको मिला करके इकट्ठा हम इसकी खाद बनाते हैं। इसे कैसे बनाया है अगर ये भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसमें हमने मिला दिया है 2-3 मुट्ठी भर के, अच्छे से ढेर सारा मिला सकते हैं, इससे कोई ये नहीं है। ये आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा आपके प्लांट को, साथ में न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा आपके प्लांट को। तो पत्तियों की खाद भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दी है, 4-5 मुट्ठी बिल्कुल सफिशेंट है। इसके बाद फंगीसाइड की बारी आई, फंगीसाइड के बगैर तो हमारी मिट्टी तैयार ही नहीं हो सकती है ना, तो फिर फंगीसाइड हमने मिलाया इसमें भर के 4-5 चम्मच फंगीसाइड मिला दिया है। ये भी तो हमारा बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशंस होता है ना, क्योंकि अगर फंगल लग जाएंगे तो सारे प्लांट खराब हो जाएंगे, फंगीसाइड की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे सांप का फंगीसाइड यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास दूसरा किसी कंपनी का फंगीसाइड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और ये रही हमारी सॉइल की जो जितनी सारी न्यूट्रिशंस थे, साथ में फंगल इन्फेक्शन से जो बचाना था, मतलब कि सॉइल में जितना कुछ ज़रूरत है वो सब कुछ हमने इसमें मिला दिया है। और आप खुद देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि अगर इस सॉइल में आप अपने फ्लावर प्लांट को लगाएंगे तो कितना अच्छा आपका सॉइल तैयार हो रहा है, जिसमें कि सब कुछ न्यूट्रिशंस है। इसमें आप SSP भी मिला सकते हैं, अभी हमारे पास सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं था और हमने काफ़ी सारा इसमें न्यूट्रिशंस मिला दिया है ऑलरेडी, तो इसे स्किप कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि हम इसमें बोन मिल या SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट या बोन मिल, तो वो भी आप 2-3 मुट्ठी मिला सकते हैं, आपकी सॉइल और भी रिच हो जाएगी, हेल्दी और हैवी हो जाएगी। इसे किसी भी तरह से टूल से मिक्स करें, मैं तो सारा काम हाथ से ही करती हूँ, मुझे इजी लगता है कि मैं अपने हाथ से ही इसे मिला दूँ। मिलाना भी ना बहुत अच्छे से होता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। देखिए मैं किस तरह से बिल्कुल सॉइल को ना नीचे से निकाल निकाल के अच्छे से ऊपर करके अलट पलट के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, कहीं भी कुछ भी इकट्ठा ना रहे, नहीं तो फिर जब आप गमले में भरेंगे ना तो वो फिर सॉइल आपके प्लांट को ख़राब कर सकती है। मान लो किसी एक जगह पे इकट्ठा रह गया फंगीसाइड या नीम खली, एक ही जगह इकट्ठा रह गया तो वो सॉइल फिर आपके प्लांट को हार्म पहुँचाएगी, नुकसान कर सकती है। तो पहले अच्छे से इन सारे सॉइल को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इस सॉइल को यूं ही खुला छाएदार जगह में मैं एक दिन छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसे बोरी में भर के या किसी भी जिस चीज़ में आपको सुविधा हो भर के रख दीजिए। जब हम रिपोर्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ कि क्रेसेंथेमम को आप किस तरह से इंसेक्टिसाइड से अच्छे से साफ करेंगे, जो हमारे पुराने प्लांट हैं उनमें बहुत सारे इंसेक्ट भी हो जाते हैं, उसकी सॉइल में भी इंसेक्ट हो सकते हैं, तो उन सबको हम कैसे साफ करेंगे, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने प्लांट को बिल्कुल नया और अच्छा भला चंगा करने के लिए, तो उसे यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं दिखाऊंगी इंसेक्टिसाइड कैसे यूज करें, कौन कौन से यूज करें, कितना यूज करना है, साथ में रिपोर्टिंग भी। मेरी ये छोटी सी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, उसके साथ ऑल का बटन आता है उसे भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपने सारे गार्डन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, साथ में अपना भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।